अपराध नियंत्रण, जीरो टॉलरेंस, चेकिंग ऑपरेशन, थाना प्रबंधन व कोरोना पर नियंत्रण, जघन्य हत्या एवं हत्या के प्रयास के समस्त प्रकरणों में पतारसी एवं बरामदगी, तथा जिले में कई वर्षों से सक्रिय जामंदा भूतिया, बोरडाबरा व माछलिया गैंग को पूरी तरह से किया निष्क्रिय। विगत दो वर्षों में जिले में संपत्ति संबंधी अपराध, चोरी, लूट, डकैती पर रहा नियंत्रण। महिला संबंधी अपराधों पर त्वरित कार्रवाई व विगत दो वर्षों से विश्व भर में फैली कोरोना महामारी को धार जिले में फैलने से रोकने में किया समुचित प्रबंध। थानों में रखे 754 दो पहिया वाहन व 75 चार पहिया वाहनों की नीलामी व राजसात की कार्रवाई पूर्ण कर कुल लगभग 1 करोड़ रुपए का मिला शासन को राजस्व। लंबे समय से विभिन्न थानों में रखी 1,36,140 लीटर अवैध जब्त शराब कीमत 5,20,00,000 रुपए का नष्टीकरण करवाया गया। थाने में रखे रजिस्टरों एवं रिकॉर्डो का संधारण व्यवस्थित करवाया गया एवं स्वच्छता अभियान के तहत पुलिस लाइन एवं थाना परिसरों की साफ सफाई कराने से बड़ा भवनों का सौंदर्यीकरण, छल एवं धोखाधड़ी करने वाले व्यक्तियों को पहुंचाया गया जेल की सलाखों के पीछे। पुलिस अधीक्षक श्री आदित्य प्रताप सिंह द्वारा आज से ठीक दो वर्षों पूर्व दिनांक 4 जून 2019 को धार जिले में पुलिस अधीक्षक का पदभार ग्रहण किया गया था। कानून व्यवस्था की दृष्टि से धार एक संवेदनशील जिले की श्रेणी में आता है, जहाँ भोजशाला जैसे स्थायी विवादास्पद स्थान, सादलपुर, सागौर, धर्मपुरी, मनावर जैसे संवेदनशील थाने, नर्मदा डूब प्रभावित क्षेत्र के साथ साथ कुख्यात जामंदा भूतिया बोरडाबरा गैंगों द्वारा घटित अपराधों को नियंत्रित करना भी पुलिस के लिए चुनौतीपूर्ण था, जिसे पुलिस कप्तान आदित्य प्रताप सिंह ने बखूबी निभाते हुए दशकों से सिर दर्द बने कुख्यात अपराधियों को जेल पहुँचाया। धार जिले में पदस्थापना आगमन के बाद से ही पुलिस अधीक्षक द्वारा जिले के समस्त 23 थानों व 15 चौकियों का निरीक्षण किया, ऑपरेशन थाना प्रबंधन, ऑपरेशन स्वच्छता, ऑपरेशन जीरो टॉलरेंस जैसे महत्वपूर्ण ऑपरेशन चलाकर धार जिले के थानों पर साफ सफाई व व्यवस्थित रिकॉर्ड संयोजन के साथ ही अपराध नियंत्रण हेतु विभिन्न थानों में लंबे समय से फरार चल रहे आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु समुचित दिशा निर्देश जारी कर जिले के समस्त थाना प्रभारी एवं क्राइम ब्रांच धार को सक्रिय किया। मार्च 2020 में दुनिया के साथ साथ भारत देश में भी कोरोना वायरस से फैली महामारी ने हिलाकर रख दिया था। कोरोना वायरस महामारी से देश को बचाने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग को महत्वपूर्ण बताया जा रहा था, जिसे लागू कराने की बड़ी जिम्मेदारी पुलिस विभाग की भी थी। इस विषम परिस्थिति में पुलिस अधीक्षक धार ने प्रशासनिक अमले के साथ रहकर फ्रंट लाइन में काम किया। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अपनी दूरगामी सोच रखते हुए सीमित उपलब्ध संसाधनों व पुलिस बल का बखूबी प्रयोग करते हुए धार जिले में सफलतम लॉकडाउन, जनता कर्फ्यू व धारा 144 का पालन करवाया गया। पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा पुलिस विभाग को कोरोना के संक्रमण से सुरक्षित रखने हेतु प्राथमिकता के आधार पर कोरोना की वैक्सीन लगवाने हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके पालन में धार जिले में 91% पुलिस अधिकारी कर्मचारियों को कोविड वैक्सीन के दोनों डोज लग चुके हैं। संपूर्ण मध्य प्रदेश व अन्य राज्यों की पुलिस का सिरदर्द बन चुकी थाना टांडा अंतर्गत ग्राम जामंदा भूतिया गैंग अपनी भौगोलिक स्थिति का फायदा उठाकर पुलिस गिरफ्त से बाहर रही। पुलिस की टीम जब भी इनके गांव में जाती थी तो यह पहाड़ियों पर चढ़ जाते तथा पहाड़ियों से ही गोफन, पत्थर, तीर कमान से पुलिस बल पर हमला कर देते थे। पुलिस की गिरफ्त से बाहर होने से इस गैंग के द्वारा लगातार धार जिले व अन्य सीमावर्ती जिलों तथा पड़ोसी राज्यों में लूट डकैती की वारदात को अंजाम दिया जा रहा था। थाना गनवानी स्थित कुख्यात ग्राम बोरडाबरा है, जहाँ कई आपराधिक प्रवृत्ति के लोग निवास करते हैं। यहाँ के बदमाश धार जिले के अलावा संपूर्ण मध्य प्रदेश एवं दिगर राज्य में जाकर चोरी, लूट व डकैती की वारदातों में संलिप्त रहते हैं। विगत कुछ सालों से यहाँ के युवा बदमाश धार जिले के मनावर गनवानी क्षेत्र में रात में एक साथ लूट डकैती की वारदातों को अंजाम देते थे। हाईवे व सुनसान रोड पर नुकीले पत्थर लगाकर वाहनों को पंचर कर लूट डकैती करने वाली जिला झाबुआ के थाना काली देवी क्षेत्र अंतर्गत माछलिया गिरोह भी धार जिले के साथ साथ अन्य कई जिलों में सक्रिय थी, जिसका स्थानीय स्तर पर अपराध न करने से संबंधित थानों में इनका आपराधिक रिकॉर्ड ही नहीं था। इसी कारण से इन अपराधियों को चिन्हित करने में धार पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा क्राइम ब्रांच एवं स्थानीय पुलिस को ऊर्जावान शब्दों से सक्रिय किया, परिणाम स्वरूप उपरोक्त तीनों गैंगों के एक के बाद एक अपराधी फरार धार पुलिस की गिरफ्त में आते गए। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा
जामंदा भूतिया एवं बोर डाबरा गैंगों के आरोपियों की गैंग हिस्ट्री शीटर भी बनाई जाकर इन गैंगों के आतंक को निष्क्रिय किया। धार जिले में वर्ष 2019-20 में हत्या के 70 प्रकरण तथा वर्ष 2020-21 में 65 प्रकरण धार पुलिस द्वारा पंजीबद्ध किए गए। पिछले दो वर्षों में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा हत्या के अनसुलझे प्रकरणों को गंभीरता से लेते हुए अज्ञात आरोपियों की पतारसी एवं गिरफ्तारी हेतु संबंधित थानों में स्पेशल टीमों का गठन किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 2019-20 में घटित हत्या के 70 प्रकरणों में से 67 प्रकरणों में व वर्ष 2020-21 में घटित 65 प्रकरणों में से 54 प्रकरणों में आरोपियों को गिरफ्तार कर अनसुलझे हत्या के प्रकरणों की गुत्थी को सुलझाने में धार पुलिस को अभूतपूर्व सफलता प्राप्त हुई। वाहन दुर्घटना में मृत्यु प्रदर्शित कर फर्जी बीमा क्लेम पर गिरोह का पर्दाफाश करने में सफलता, रुई से भरे ट्रक में रुई की गठाने निकालकर ट्रक में आग लगाकर रुई व ट्रक का फर्जी बीमा क्लेम लेने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया, फर्जी पुलिस अधिकारी बनकर पेट्रोल पंप संचालकों के साथ धोखाधड़ी करने वाले गिरोह को पकड़ने में सफलता, गड़ा धन निकालने का लालच देकर धोखाधड़ी करने वाले नाथ गिरोह को पकड़ने में मिली सफलता। इस प्रकार कहा जा सकता है कि पुलिस अधीक्षक धार श्री आदित्य प्रताप सिंह ने अपने दो वर्षों के कार्यकाल के दौरान बेहतर हाईटेक पुलिसिंग की है, जिसके ही परिणाम स्वरूप एक तरफ जहां अपराधियों में भय का माहौल बना है, वहीं दूसरी ओर अपराधों में पूर्ण लगाम लगने से धार जिले में शांति का माहौल स्थापित हुआ है, जिससे धार जिले की जनता में पुलिस के प्रति विश्वास और मजबूत हुआ है। पुलिस अधीक्षक धार की कार्यशैली की प्रशंसा पूरे प्रदेश में की जा रही है। भारतीय न्यूज के लिए धार से साबिर खान FM की रिपोर्ट। सब्सक्राइब नाउ टू मोस्ट एक्साइटिंग चैनल एवर।